हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। आपका भाई आ गया है फिर से एक वीडियो लेके, उनकी वीडियो स्टोरी टाइम। तो गाइस, ये स्टोरी ओरिजिनल है, ये हमारे पास आई है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसने करी बेबी सिटिंग मूवी फर्स्ट टाइम। उसने पुलिस ओल्ड कॉफी काफी जॉब्स करी, पिज्जा हट, पिज्जा मैक्स, पिज्जा पॉइंट। उसने हमारे पास मेडल दे रहा, हम आपको स्क्रीन पे शो कर पाएंगे और वो ही बात। तो गाइस, उसने करी बेबी सिटिंग लड़की। तो गाइस, उसने करी बेबी सिटिंग एक रात और वो उसकी आपकी बेबी सिटिंग। तो वो अपने सामने बने बेबीसिटर जेम्स और एंजेला दोनों बच्चे जिनकी उसे बेबीसिटिंग करनी। जब उनके घर पर पहुंच उन्होंने गेट नॉक कर, उन्होंने गेट को खोला, वो अंदर, तो उन्हें गुड मॉर्निंग, उन्हें उसे कहा कि आज आप रात हमारे बच्चों की बेबीसिटिंग करेंगे, हम आपको पूरे पाँच लाख। उसके पास कोई जॉब नहीं, उसे मना नहीं करता और पूरे 10 जब वो उनके घर पहुंचे, तो जब वो जेम्स को एंजेला गए, उन्होंने कहा दीदी आप हमारे साथ गेम्स खेलोगे? उसने कहा जी जरूर। एंजेला ने कहा आप मुझे खाना बना के नहीं? उसने कहा जरूर ब्रो। तो जब उसके माँ पापा तो जब वो थी जो लड़की बेबी सिटिंग करना है, उसने कहा बस 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 रिलैक्स। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम नहीं दो हजार ऐसे सोच नहीं। तो उसने ऐसा कहा और उन्होंने कहा बच्चों पहले मैं एक ही बात सुन। तो एंजेला ने कहा मुझे खाना, लेकिन जेम्स ने उसकी बात काटते हुए कहा नहीं दीदी मुझे ब्लडी मैन खेल। ब्लडी मैन? तो उसने वो एकदम से कहा, उसने कहा नहीं, उसने कहा दीदी हाँ उसने एंजेल चला मैं शीशे के आगे ब्लडी मैन बोलना पड़ेगा। उसने कहा लेकिन नहीं हम ये गेम नहीं खेल सकते। उसने कहा दीदी आए मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन दीदी ने जो कहा वो कहा कि नहीं ये मैं खेलती थी बचपन में इसे कुछ नहीं होगा। पर बच्चे ने कहा नहीं दीदी आपको खेलना पड़ेगा। अब बच्चों की बात मान नहीं सकती, मतलब मानना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसे जॉब की ज़रूरत थी। और जब तक अगर बच्चे उसकी बारिश में करते तो उसके पेरेंट्स होंगे वो उसे जॉब नहीं होगी। तो गाइस उसने खेलेगी उसने कहा बच्चों चलो आप मैं आ गई। पर जो लड़की थी उसके दिल में चल रहा था कि ये क्या मैंने इनको खाना देना चाहिए पर मैं सब गेम खेलूँगी वो भी ऐसी गेम। तो गाइस उसे थोड़ा अफसोस था, तो उसने ये कहा कि मैं मतलब अफसोस लेके उनके साथ वो चली गई। पर जब उन्होंने गेम स्टार्ट की तो बच्चे ने एक कैंची रखी। जब उसने पूछा कि बेटा ये कैंची क्यों रखी हमारे गैंग में लोग, तो बच्चे ने कहा कि दीदी ये गेम का रूल है। उसने कहा ये कैसा रूल है मैं तो ऐसा रूल नहीं खेलती थी। तो गाइस उसने कहा दीदी अगर हम कैंची नहीं रखते तो ब्लडी मैन नहीं आएगी। तो उसने मतलब ऐसे ही समझते हुआ उसने कह दी कि ठीक है हम रखते हैं। उसने रखी एक टेबल पर, तो पहले उनकी वो दीदी थी ना वो ब्लडी मैन नहीं करा तो वो पीछे
जब वो बच्ची गई तो उसने ब्लडी मेरी देरी तो मेरे में कुछ आ रहा है क्या जो एंजेला फिश है एक पर छावा है तो वो डर गई वो रोने लगी कि मैं दीदी मैं कोई खेल खेलना ये वो तो वो रोते रोते ना तो जो लड़की थी ना उसने कहा चलो आप मेरे साथ चलो ना आपको खाने पर जो जेम्स था वो गुस्से में था कि मेरी गेम पूरी नहीं हुई तो गाइस सारी कर दू जेम्स उसने कैंडल वापस जलाई और उसने उसने मिरर के आगे गया और उसने मिरर को तीन दफा पूल कर वो करके ना तब भी कुछ नहीं हुआ तो वो कैंडल खिंचा के ना वो आ गया वो आया तो उसने दिल्ली को बताया कि देखो जब तक हम ये कैंडल जला के वापस तीन दफा नहीं बोलेंगे तब तक नहीं जाए तो गाइस ऐसा हुआ तो उसने कहा चलो इन बातों को छोड़ो चलो खाना खाओ तो वो लोग चले गए खाना खाने तो गाइस वो खाना खाने जा रहे थे तो पीछे से कुछ उन्हें ना आता हुआ ऐसा महसूस हुआ जब तो वो पीछे मुड़े तो वही तब से टकरा गए उसकी आंख ब्लैक फेस वाइट मतलब ऐसा उसने कहा तो हमें तो पता नहीं तो वो भागे बहुत चल गई और जो छोटी बच्ची थी उसे बहुत डर बच्ची रो रही पर जो लड़की थी उसने देख सी थी उसने उसे चुप कराया था और पर्दे के पीछे छुपा उन पर छुपेगी तो जो लड़की है उसे लगा के वो आ रही है पर्दे के पास उसकी सांसें तेज जो डर लगा पर उन्होंने उधर से भी बाहर कर सोफे के पीछे गया और बच्चों को कहा कि आप किचन में जाओ मैं जाती हूँ वॉशरूम कैंडल जला के वापस बोल पर जो छोटा जेम्स था उसने कहा नहीं दीदी आपकी जान को खतरा है कुछ भी हो सकता है और उसने कहा नहीं मुझे जाना वो बिना उनकी बात सुने भागते हुए चली गई वॉशरूम में और जब वो लाइटर से ना मोमबत्ती जला रही तो जल नहीं गई लेकिन लाइटर जल रहा था लेकिन कैंडल नहीं जल रही और जेम्स था जो उसने लाइट्स ऑन करने के लिए वो अपना घर का स्विच घुमा रहा था क्योंकि बाकी सबकी लाइट आ और वो शोर कर रहा था और जब वो कैंडल जला रही तो उसे ऐसा हो चुका कि घड़ी नहीं आ रही डर के मारे पास कर रहा है जब वो किसी उसके सामने आई तो वो घबरा उसे देख रही पर वो नहीं वो मोमबत्ती चलाती है जब वो पास आई तो उसके पास से लाइटर गिर गया लड़ी मेरी और उसके पास आ रही थी लड़ी मेरी कैंची उसकी आईज के पास थी वो पास जा रही थी एकदम से रोशनी और लड़ी मेरी घर से बाहर ट्रायल होते ही उसने सामने देखा थोड़ी सी नीचे देखा तो जेम्स जेम्स ने कहा कि दीदी मैंने यहाँ की जान के बाद ये मोमबत्ती जला दी थी तभी हुआ और मैंने अभी वापस उसको जला के पूरी उसे भेज दी वो बहुत डर गई और उस रात जो है वो डरी वो उसके बाद जला नहीं रहता क्योंकि उसने कुछ उसने कहा कि आज से कोई फील बेबीसिटिंग नहीं करता जो बच्चे थे उन्होंने कहा दीदी आज आप हमारे साथ वो बेचारे पूरी रात कवर से ऐसे करके ना टीवी खड़ी रही और बच्चे सो गए नेक्स्ट डे जब उसके बच्चों के पापा आए तो उन्होंने उसे कहा बहुत अच्छा बच्चों ने कहा बहुत अच्छा कैमरा था सब हुआ तो उनके पेरेंट्स ने उसे ऑफर करी कि आप पूरे टाइम ना पूरे मंथ रहे हर हमें बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर जाना है तो आप हमारे बच्चों को देखें और उसने मना कर दिया कि मेरी कहीं और जो और हम लाएंगे आपके लिए न्यू पार्ट
इसमें आपको और अच्छी स्टोरी लगेगी, और ये दो काम मेरे से साथ नहीं हुए तो हमने गेम अलग से खेल के इसमें ऐड कर देंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, आपका भाई अच्छी अच्छी वीडियो लाएगा। चलो चलने वाली है दूसरों की कहानी जैन की जुबानी। जी बिल्कुल, और मेरा बहुत जल्दी ब्लॉग आने वाला है जो स्पेशल ब्लॉग है जिन्होंने हमें खुद इनवाइट करा है। अगर आप अच्छे से लाइक कर देते हम जाएंगे और ब्लॉग में वो ब्लॉग आपके लिए बना के आपको दिखाएंगे, आप भी वहाँ जाना बहुत इंजॉय करेंगे आपको। तो बस स्टोरी इतनी सी थी, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। चलो फिर चलते हैं, टाटा बाय बाय।